हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हमने जो वीडियो बनाई है वो है चाइना कलर टीवी किट में जो आईसी मेन जंगल आईसी लगा है TMPA 8873 8873। तो आज हम इसके जो पिन है सभी पिनों की आज डिटेल आपको देंगे, क्योंकि जो डिटेल बहुत कम है और तकरीबन तकरीबन जो भी चाइना की किट हैं सभी में यही आईसी उपयोग किया गया है, यूज किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो आप तक पहुँचती रहे। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसका लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है। वहाँ पर बहुत बहुत ही अच्छे मैकेनिक आपको मिलेंगे जो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो ये आईसी है TMP 8873। इसकी सबसे पहले हम लेंगे एक नंबर पिन, एक नंबर पिन। इस आईसी के एकुलेट तो नहीं कह सकते, मगर ये चार पांच आईसी आते हैं जैसे 8872, 8870, तो 8893, उन सभी की पिन एक सेम ही होती है, एक पिन, यानी कि यही पिन उन पर लागू होगी। तो सबसे पहले एक नंबर पिन है, ये बैंड सेलेक्टर के लिए है, ये सिग्नल आउटपुट निकलता है जो UHF VHF बैंड है उनके लिए ये यूज की गई है। तो तीन नंबर पिन है जो ये की जो पैनल आगे होता है मीनू AV वाले में प्रोग्राम अप डाउन जो TV के आगे लगा होता है पैनल, उसको जाती है की, ये उस पिन के लिए यूज की गई है। और जो है चार नंबर पिन ये ग्राउंड है, पांच नंबर पिन ये रीसेट सप्लाई इनपुट की पिन है जो कि ट्रांजिस्टर V705 से कलेक्टर से आती है, छः और सात नंबर पिन इस पर एक क्रिस्टल लगाया गया है, आठ नंबर पिन ग्राउंड है, आठ नंबर पिन ग्राउंड की गई है। तो जो नौ नंबर पिन है इस पर सिस्टम विभाग की पॉजिटिव सप्लाई आती है 5 वोल्ट, 10 और 11 पिन ग्राउंड है। जो 12 नंबर पिन है इस पर फीडबैक आते हैं ESTC से फीडबैक आते हैं जो कि सिंक, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल इन सभी को कंट्रोल में रखते हैं। और जो 13 नंबर पिन है ये हॉरिजॉन्टल आउटपुट मींस जो कि ड्राइवर हो ESTC का ड्राइवर है उसको जाते हैं आधे वोल्ट के करीब। तो ये है 14 नंबर पिन हॉरिजॉन्टल AFC कंट्रोल की पिन, 15 और 16 ये वर्टिकल से जुड़ी होती है, 16 नंबर पिन वर्टिकल IC 78040 को जो सिग्नल जाता है उसके लिए है। जो 17 नंबर पिन है इस पर EST से 8 वोल्ट आते हैं, जब आपका सेट ऑन हो जाता है तब 8 वोल्ट वहां से आते हैं। 18 नंबर पिन ग्राउंड है, यह है 19, 20 और 21। ये पिने जो OSD ऑन स्क्रीन डिस्प्ले के काम में ली जाती है,
ये इनके लिए यूज किया जाता है, जो टीवी की स्क्रीन पर जो भी अक्षर आते हैं उनके लिए होता है। और 22 नंबर पेन, ये एक्स्ट्रा ऑडियो आउटपुट पेन है, अगर आपने टीवी के ऑडियो बाहर चलानी है तो। ये वीडियो इनपुट दो है, 23 नंबर पेन, 24 नंबर पेन एक्स्ट्रा वीडियो इनपुट एक वन है, AV वीडियो जो होती है वीडियो इनपुट देते हैं। 25 नंबर पेन ALC फिल्टर की पेन है, और जो 26 नंबर पेन है इसमें कंपोजिट वीडियो सिग्नल की इनपुट पेन है, जिससे कि जो भी कलर वगैरह है उसके लिए यूज किया गया है, जो जितने भी सिग्नल होते हैं इसी में आते हैं कंपोजिट। तो 27 नंबर पेन ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल की है, और 28 और 29 पेन जे ऑडियो आउट के लिए है, ऑडियो आउट वन, ऑडियो आउट टू। 30 नंबर पेन, ये पेन कंपोजिट वीडियो सिग्नल आउटपुट पेन है, जो कि ट्रांजिस्टर V202 के बेस को दिया जाता है, जहाँ से सिग्नल। जो 31 नंबर पेन है ये साउंड IF आउटपुट पेन है। 32 नंबर पेन एक्स्ट्रा ऑडियो की पेन है। 33, 34 ये SIF साउंड IF इनपुट पेन है, जो कि आवाज़ साउंड के लिए है। 36 और 37 ये पेन प्री IF एम्पलीफायर। 38 नंबर पेन कंपोजिट वीडियो सिग्नल आउटपुट पेन, जो कि सीधे CRT के बेस पर जो सर्किट लगा है उसके लिए। 39 नंबर पेन ये ऑडियो डिटेक्टर विभाग की पेन है। 40 ग्राउंड हो गई। 41 और 42 ये पेन IF सिग्नल इनपुट की पेन है। 43 नंबर पेन ये AGC सिग्नल आउटपुट है। ये 43 और 44 और 45 नंबर पेन जो है ये एक्स्ट्रा वीडियो सिग्नल इनपुट की पेन है। 46 नंबर पेन ये वीडियो एम्पलीफायर विभाग के लिए है पेन है। 47 नंबर पेन ये पॉइंट प्लस 5 वोल्ट के पेन है। 47 और ये आगे आई 48, 48 नंबर पेन ये सिंक सिग्नल इनपुट है। 49 नंबर पेन ये कलर एम्पलीफायर विभाग की पॉजिटिव सप्लाई की पेन है, जिसे 8 वोल्ट EST से दिए गए हैं। 50, 51 और 52 ये तीनों पेन कलर आउटपुट पेन है। इस पेन से प्राप्त सिग्नल जो CRT के बेस पर सर्किट है उन्हें दिया गया है। पेन नंबर 53, 53 और 54 ये ग्राउंड की पेन है। पेन नंबर 55 ये तीनों कलर आउटपुट की पेन है, और आगे है 53, 54 ये ग्राउंड हो गई। उससे आगे आ गया 55, ये सिस्टम विभाग की पॉजिटिव सप्लाई पेन है, जिसे 5 वोल्ट दी गई है। जब सेट स्टैंड बाई में होता है तब यहाँ पर 5 वोल्ट आनी चाहिए। 56 पेन की को यूज नहीं किया गया। 57 ये सीरियल डाटा सिग्नल आउटपुट की पेन है, जो कि मेमोरी IC को दिया गया है। 58 ये भी
मेमोरी आईसी को दी गई पिन है, ये देखें मेमोरी आईसी को जो पिन दी गई है 5758, जो 60 नंबर की पिन है ये ट्यून अप डाउन की पिन है, जो कि ट्रांजिस्टर भी 704 के बेस को दिया जाता है जहाँ से सिग्नल निकलता है ट्यूनिंग अप डाउन का। 68 ये एक साउंड म्यूटिंग सिग्नल आउटपुट की पिन है, जिससे द्वारा जब आप म्यूट करते हैं तो ये म्यूटिंग के लिए यूज की गई है साउंड म्यूट। जो 62 है ये हॉरिजेंटल सिंक सिग्नल एम्पलीफायर की पिन है। 63 ये 62 हॉरिजेंटल सिंक सिग्नल एम्पलीफाई पिन, और 63 ये हो गई रिमोट की जो आईआर लगा होता है सेंसर, उसको पिन दी गई है आईआर सेंसर को। और 64 ये पावर ऑन ऑफ सिग्नल आउटपुट के लिए दी गई है, जैसे कि जो स्टैंड बाई पे सेट जाता है, ऑन होता है, रिमोट से ऑफ होता है। तो ये तो था हमने मेन मेन इसका जो भी सर्किट आपको बताया, पिन की डिटेल। आगे का सर्किट भी हम जल्दी ही लेकर आएंगे।